to protest against arbitrary curfew timings. This snowballed into something bigger, much bigger, as allegations, serious allegations of misappropriation of funds, of embezzlement, corruption, sexual harassment came to the fore. We are asking answers from the administration itself. We have been plagued by issues like sexual harassment by the faculties themselves, who are supposed to be the ones to keep us safe away from home. The person who heads the faculty coordination is the person who is responsible for the most number of sexually colored remarks against which complaints have been filed. We have prepared a list of demands which has, like, we have 14 demands in total. So first things first, our first demand is that since there are so many resources in our campus, we want 24/7 access to all those resources like library. जैसे कि इनकी पहली मांग है कि लाइब्रेरी टाइमिंग्स जो कि एक्सटेंड होने चाहिए. अगर किसी बच्चे को रात में पढ़ना है, लाइब्रेरी की बुक्स चाहिए, तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि लाइब्रेरी 10 बजे के बाद यहाँ पे बंद कर दिया जाता है. किसी बच्चे को किसी रिसर्च के लिए कोई मटेरियल चाहिए, किसी बच्चे को किसी रिसर्च पेपर के लिए कोई मटेरियल चाहिए, तो उसे वो उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि लाइब्रेरी बंद हो जाती है 10 बजे के बाद. हमें अगर भूख लगती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ से 21 किलोमीटर सिटी से दूर है, हमें अगर भूख लगती है तो हमारे पास में 10:30 के बाद में और 8 बजे तक कोई भी संसाधन नहीं है. हम अपना भोजन नहीं कर सकते. इस यूनिवर्सिटीज में बैलेंस शीट अगर कोई भी चेक करेगा तो आपको इरेगुलरिटीज मिलेंगी. जो फंड्स यहाँ को अलॉट होती हैं यूजीसी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो ये फीस के रूप में यहाँ के बच्चों से लेते हैं. क्या ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको बहुत पहले उठा देना चाहिए था, या जिनको मेरे ख्याल से अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग अगर इतने जागरूक होते तो इन चीजों को पहले ही उठा देते. क्या इन सब छोटी से बड़ी चीजों को जो कि उठाने के लिए क्या हम लोगों का प्रोटेस्ट जरूरी था? अगर हाँ तो हम लोग बैठे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे इस प्रोटेस्ट का कोई अच्छा नतीजा निकले.